वेलकम बैक टू सुपर मॉम्स रेसिपीज वंस अगेन। मैं किरणदीप आज आपके लिए लेके आई हूँ गर्मा गर्म गुड़ वाले राइस जिसमें बहुत सारे नट्स डाले गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो राइस के साथ। यहाँ मैंने 1.5 कप मेजर्ड राइस ले लिए हैं। इन राइस को हम अच्छे से वॉश करके सोक कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है गुड़, इसको मैंने बारीक बारीक कस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ ले लिया है केसर स्ट्रैंड्स, जिसको मैंने 5-7 स्ट्रैंड्स लेके फ्रेश मिल्क में सोक कर दिए हैं। देखिए रंग बहुत अच्छा छोड़ा है इसने। और यहाँ मैंने मिक्स नट्स ले लिए हैं, जिसमें है मेरे पास कैश्यूज और आलमंड्स। आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ ली है मैंने हरी वाली सौंफ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये मैंने ड्राई कोकोनट है, इसको स्लाइस कर लिया है। और यहाँ मेरे पास है 2 हरी इलायची और 3-4 लौंग। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ मेजर्ड मैंने पानी लिया है, ये पानी मैंने 2.5 कप लिया है, 2.5 ग्लास लिया है। और इसमें मैं ये गुड़ को डाल रही हूँ अच्छे से बॉईल करने के लिए। आप भी ऐसे इनिशियली स्टार्ट करें सो दैट ये जो हमें चाशनी है, जो सिरप है, हमें इसको चाशनी नहीं बनाना। सिरप को अच्छे से हम बॉईल करेंगे। जैसे ही ये बॉईल आना स्टार्ट होगा, ये हल्का हल्का कलर चेंज कर देगा। और इसी के साथ ये देखिए आप, ये जैसे जैसे गुड़ डिसॉल्व हो रहा है, इसी के साथ देखिए ऊपर थोड़ा थोड़ा ये व्हाइट स्कम आनी, यानी झाग आनी स्टार्ट हो गई है। तो हम इसको धीरे धीरे करके ये निकालते जाएंगे किसी भी तरह की छन्नी के साथ। और पूरा ध्यान रखें कि ये जो स्कम है वो अच्छे से निकल जाए। और इसको हम ऐसे ही सिमर पे छोड़ देंगे जब तक हम दूसरा वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है, अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने कुकर को। 2 स्पून्स इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। देसी घी में बहुत टेस्टी बनते हैं ये राइस। अगर आपको कोई और आपकी पसंद है ऑलिव ऑयल वगैरह तो आप उसमें भी बना सकते हैं। डायरेक्टली मैंने ऐड कर दी है 1 स्पून जो मैंने सौंफ ली है। हरी इलायची और लौंग को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसी में मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से चला लेंगे इसको हम। इसको हम अच्छे से पिंक सा या फ्रेग्रेंस आने तक पकाएंगे। इसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे अपने नट्स, इनको हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। मेक श्योर कि जो फ्लेम है वो लो रहे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको हम नहीं पकाएंगे। नट्स को एक हमें क्रंची टेक्सचर लाना है नट्स में। और इसी के साथ हम यहीं ऐड कर देते हैं ड्राई कोकोनट जो हमने स्लाइस करा है। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा हो गया है। और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ वॉश्ड एंड सोक्ड राइस। इसको मैंने बहुत ज़्यादा सोक नहीं करा है राइस को। आप भी कोशिश करें जो राइस है उसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेजर्ड करके पानी लिया है। सारे के सारे राइस मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर अब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी इसमें चला जाएगा तो चावल है उनका टेक्सचर बिगड़ जाएगा। आप इसमें इस स्टेज पे जो हमने केसर को डिसॉल्व करा था वो भी यहीं ऐड कर दें। जस्ट 3 या 4 स्पून हैं जिसको मैंने केसर को भिगोया था। तो इसके सारे केसर स्ट्रैंड्स भी आप डाल दें। इसी पे मैं ऐड कर देती हूँ जो हमने चाशनी यानी सिरप बनाया है, एज इट इज मैं इसमें पोर कर देती हूँ। और इसको एक बार चला लें, अच्छे से इसको चला लें। एंड इसी के बाद मैं बाकी का जो हमारा सिरप बचा हुआ है मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। और इसको हम ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे ही देखने में भी।
और इसको हम एक विसल तक प्रेशर कुक करेंगे और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। आफ्टर वन विसल, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जिनको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सुपर मॉम्स रेसिपीज़। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। देखते रहिए सुपर मॉम्स रेसिपीज़। बाय बाय।